हाई कोर्ट से एक बार फिर से जातीय गणना कराने का फैसला हुआ, उसके बाद राज्य सरकार इसे हर हाल में अब जल्द से जल्द पूरा कराने में जुट गई है। 2 तारीख यानी आज से सभी जो जिला अधिकारी हैं उनको यह टारगेट दिया गया है कि जिन जगहों पर जातीय गणना का काम अधूरा पड़ा है उसे पूरा कर लिया जाए, और इसके लिए बिहार के शिक्षकों को लगाया गया था। शिक्षा विभाग का चार्ज संभालते ही के पाठक ने यह फरमान दिया था कि कोई भी शिक्षक विद्यालय के काम के अलावा, पठन पाठन के कार्य के अलावा किसी अन्य कार्य में शामिल नहीं होंगे। के पाठक ने एक दिन पहले ही एक पत्र जारी किया था जिसमें कहा था सभी जिला अधिकारी को लिख के कि सभी जिला अधिकारी शिक्षकों से किसी भी प्रकार का शैक्षणिक कार्य छोड़कर अन्य गतिविधि में उनको शामिल नहीं कराएंगे। अगर कोई भी जिला अधिकारी इस तरीके के फैसले लेते हैं तो वो सीधे तौर पर के पाठक यानी शिक्षा विभाग का जो आदेश है उसकी अवहेलना होगी। लेकिन अब के पाठक ने खुद पत्र जारी किया है और ये पत्र राज्य सरकार के सबसे बड़े महत्वाकांक्षी योजना जातीय जनगणना कराने के फैसले को लेकर है। अब के पाठक ने सभी जिला अधिकारी को पत्र लिखा है और कहा है कि जातिगत जनगणना का काम 2 अगस्त से शुरू हो रहा है, फिर से इसे पूरा करने के लिए शिक्षकों को लगाया जाए। दरअसल एक तरफ उनका एक पत्र जो कहा जा रहा था कि शिक्षक शामिल नहीं होंगे किसी दूसरे गतिविधि में, और अब के पाठक कह रहे हैं कि तमाम शिक्षकों को लगाकर जातिगत जनगणना का जो काम है उसे जल्द से जल्द पूरा कर लेना। हालांकि के पाठक ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि जो शिक्षक जातीय जनगणना के काम में लगेंगे वो पूरी तरीके से विद्यालय छोड़कर नहीं जाएंगे, यानी विद्यालय का संचालन करने के लिए भी कुछ शिक्षकों को विद्यालय में रखना जिला अधिकारी की जिम्मेवारी है। जब शिक्षकों की ड्यूटी अगर जनगणना में लगाई जाती हो तो इस बात को सुनिश्चित कर लें कि शेष शिक्षक विद्यालय के अंदर मौजूद रहकर पठन पाठन का कार्य कर सके। दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने क्या कुछ लिखा उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। एक पत्र आया है बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जिसमें प्रेषक है के पाठक अपर मुख्य सचिव, और उन्होंने लिखा है सभी जिला अधिकारी बिहार, विषय जातीय जनगणना हेतु शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में कल दिनांक 2/8/2023 से जातीय जनगणना फिर से प्रारंभ हो रही है। आपसे अनुरोध है कि शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करते समय इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी विद्यालय पूरी तरह शिक्षक विहीन न हो जाए, शिक्षकों को केवल जातीय जनगणना के कार्य में ही लगाया जाए, अन्य कोई प्रशासनिक कार्य नहीं लिया जाए। एक तरफ के पाठक ने जिला अधिकारियों को जो पत्र लिखा उसमें कहा है कि सभी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति जातीय जनगणना में की जाए, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि विद्यालय पूरी तरीके से शिक्षक विहीन नहीं हो जाए, साथ ही साथ जातीय जनगणना के अलावा उनसे कोई दूसरा प्रशासनिक कार्य नहीं किया जाए, यह सुनिश्चित किया जाए। के पाठक के द्वारा यह पत्र निर्गत किया गया था 1/8/2023 को और ये सभी जो जिला अधिकारी है उनको भेजा गया। जाहिर सी बात है कि के पाठक के फैसले से जो शिक्षक डरे हुए थे कि अगर वो विद्यालय नहीं पहुंचते हैं तो उनका वेतन काट लिया जाएगा, उनके लिए सबसे बड़ी दुविधा थी कि वो कौन सा आदेश माने, क्या जिला अधिकारी के आदेश पर जातीय जनगणना के काम में लगे या फिर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का आदेश का पालन करें कि वो विद्यालय छोड़कर नहीं जाए। इन तमाम जो कंफ्यूजन थी वह अपोक स्थिति शिक्षा विभाग में मची हुई थी, शिक्षकों के अंदर जो मची हुई थी कि वो करें तो क्या करें, क्योंकि ऑनलाइन जो अटेंडेंस है वो बनाना था। शिक्षा विभाग के पदभार ग्रहण करते ही के पाठक ने कई सारे फरमान जारी किए और उन तमाम फरमान में केवल जो पीस रहे थे, जो परेशान हो रहे थे वो शिक्षक थे। लिहाजा जिलाधिकारी के जो पत्र है, के पाठक ने जो पिछला पत्र दिया था उस बीच सामंजस्य बैठाते हुए जिला अधिकारियों को एक बार फिर से के पाठक ने जो पत्र लिखा है इससे जो जनगणना के काम में शिक्षक लगे हैं उनके लिए राहत वाली खबर है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं
ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।